यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो हिमाचल सरकार ने पुरानी विरासतों को सहेजने के लिए अपूर्सा योजना तैयार की है। इस योजना के तहत वर्षों पुराने मंदिरों को जीर्णोद्धार किया जाएगा और सरकार की इस योजना से काफी लोगों को लाभ होगा, इन मंदिरों को लाभ होगा। और शुरू करने के बाद बिलासपुर के गोविंद सागर झील में समाये प्राचीन मंदिरों को जल्द से जल्द नई जगह पर स्थापित किया जाएगा। बिलासपुर में संस्कृति विभाग की सचिव पूर्णिमा चौहान ने इन मंदिरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग की टीम अगले सप्ताह आकर मंदिरों को दूसरी जगह स्थापित करने पर काम शुरू कर देगी। बहुत ही कीमती प्राचीन धरोहर है हमारी, और इसको बचाने के लिए अभी मैंने सुबह भी रिक्वेस्ट की है DGASI से कि अगर टीम आ जाती है एक हफ्ते में, तब तो संभावना है कि वो कुछ सर्वेक्षण यहाँ से कर लेंगे। और अगर उनके पास ये सक्षमता है या नहीं है कि इसको निकाल सकें, मंदिरों को निकालने का पूरा भरसक प्रयत्न कर सकें, क्योंकि ऐसी धरोहर है जो अपनी झलकियाँ देती रहती है हर साल, शायद इसी उम्मीद में कि किसी दिन इनको निकाल के बचाया जाएगा। सो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे हम सफल होंगे।